फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज के इस हॉल के लिए मैं लेके आ गई हूँ कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स। कुछ मीशो से हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से हैं, कुछ अमेजोन से हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो माय नेम इज पूजा एंड मैं मोस्टली ट्राई ऑन हॉल से शेयर करती हूँ। एंड आपको मेरे चैनल पर और भी अदर अदर वीडियोज मिल जाएंगी अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। और आज जो प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं, कुछ मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाए हैं एंड कुछ मैंने डेकोरेशन के पर्पज से मंगाए हैं। एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं स्क्रीनशॉट तो लगाती रहूंगी कि मुझे किस प्राइस पे पड़े हैं और किसमें मुझे डिलीवरी चार्जेस पड़े, किसमें नहीं पड़े, पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले ओपन कर रही हूँ मैं इस बॉक्स को, इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये है आई शेडो पैलेट एंड ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करी है। ये मीशो पर भी थी और फ्लिपकार्ट पे भी थी, दोनों पे सेम ही अमाउंट की थी ये। इसका जो अमाउंट है वो है 168 रुपीज एंड 40 रुपये मुझे इसमें डिलीवरी चार्जेस देने पड़े। सो इसको मैंने ओपन कर लिया है। सो फर्स्ट पैलेट तो ये है, ये न्यूड कलर पैलेट है। सो ये हमारी फर्स्ट पैलेट। ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमें ये 18 कलर्स मिल जाते हैं इसमें। एंड इसमें ये एक रेड एंड येलो कलर थोड़ा सा ग्लिटरी फॉर्म होता है ना, उस टाइप से है। सो ये फर्स्ट पैलेट मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और इसके कलर्स वगैरह सब वही हैं जो मैंने देखे थे। अब हमारी सेकेंड वाली पैलेट हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे कलर्स आए हैं। सो ये है हमारी रोज गोल्ड कलर वाली पैलेट एंड इसमें भी हमें ये मिरर मिल जाता है जैसे पहले वाली में था। एंड ये यहाँ पे ये कलर्स मिल जाते हैं। इसमें ये जो कलर्स दिए हुए हैं इसमें शाइन नहीं है, इसमें ज़्यादातर थोड़े से स्किन टाइप वाले जो कलर्स होते हैं ना, देखिए ये सब ये दिए हुए हैं और कुछ ही हैं जो जैसे पिंक कलर दिया हुआ है और ये थोड़े से डार्कर कलर दिए हुए हैं, बाकी ये पूरी ओवरऑल कुछ ऐसे ही है। मुझे फर्स्ट वाली आई पैलेट ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें भी 18 कलर्स है एंड इसमें भी 18 कलर्स है और ये मतलब सेम एज इट इज मुझे ऐसी ही रिसीव हुई है जैसी मैंने वहाँ पे देखी थी। सो ये आई शेडो पैलेट से मैं काफ़ी खुश हुई हूँ। इसको हम करेंगे बाद में ओपन, सबसे पहले मैं ओपन करने वाली हूँ इस बड़े से बॉक्स को। इसमें मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट ही मंगाया है, ये कॉम्बो था। ये एक्चुअली इसमें फेशियल किट है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। ये फेशियल किट मैं मतलब अभी सेकेंड टाइम मंगा रही हूँ, एक मैंने 3-4 साल पहले मंगाई थी तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा हमें। बट उसके बाद हमने मतलब बहुत ही कम यूज़ करते हैं फेशियल किट, अगर एक बार आ जाती है तो वो ऐसी ही रखी रहती है। सो इससे पहले मैंने न्यूट्री ग्लो से ही मंगाई थी किट, बट वो केसर वाली नहीं थी। केसर वाली मैं फर्स्ट टाइम अभी यूज़ करने वाली हूँ। सो ये केसर वाली है, ये मैंने कॉम्बो में मंगाया है। इसके साथ में मुझे ये सन क्रीम भी मिली है और ये है गोल्ड केसर का ब्लीच, सेम यही वाला इसके साथ में। और ये वैसे सिंगल भी मिल रही थी, ये 330 की पड़ रही थी सिर्फ सिंगल, और ये मुझे पूरा इसके साथ में जो कॉम्बो पड़ा है ये 500 के अंदर, मतलब 10-20 रुपए कम होंगे 500 से उतने का पड़ा है। सो ये पूरा कॉम्बो है 3 का। और इसको मैं एक्चुअली अभी अप्लाई करके नहीं दिखा पाऊंगी, अप्लाई करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगी और आप जरूर से देखिएगा उस वीडियो को भी कि इसका ग्लो कैसा है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या रिसीव होने वाला है। पांच चीजें हैं एंड इसके साथ में ये दिया हुआ है 6 स्टेप, ये सबसे लास्ट में लगाना है हमें। सो ये अभी मैंने ओपन कर लिया है इसका क्लींजर, और इसका क्लींजर ये फर्स्ट स्टेप है एंड अंदर से ये कुछ ऐसा आया है। अपनी किसी और वीडियो में मैं इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी कि ये लगाने के बाद में इसका रिजल्ट वगैरह कैसा रहा है। सो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड ये इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था 1 मंथ पहले। एक्चुअली इस टाइम पे मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, अपना 1 मंथ का एक्सपीरियंस मैं इसके साथ में आपको बताऊंगी कि कैसा रहा। सो मैंने इसको बाय करने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे अपने फेस पे आइजिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद की तो अलग बात है कि हमें अपने फेस पे आइजिंग करना पसंद है, बट इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी मेरी इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे सर्च करोगे फेस पे आइजिंग करने के क्या क्या बेनिफिट है डेली सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आप आइजिंग करते हैं, तो उसमें आपको इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे बेनिफिट दिखेंगे कि आप खुद से चाहोगे कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आइजिंग करूँ अपने फेस पे। सो इसलिए मैंने भी अपने फेस पे आइजिंग
करने का सोचा, मैंने सोचा कि मैं अभी अपने फेस पे आइजिंग करूंगी अब से, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। और जब मैंने आइजिंग स्टार्ट करी तो मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गई थी। ट्यूब्स को अपने फेस पे अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, अगर आपने भी किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं उससे। उस प्रोसेस को हम एक बार कर ले तो फिर हम सोचते हैं कि अरे यार अब हम अगले हफ्ते ही करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, और एक हफ्ते में एक बार सही आइजिंग करना, कम से कम हम इतना तो कर रहे हैं। और उस टाइम पे मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस करने का सोचा, ये बहुत ही ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है। सो ये सिलिकॉन से बना है एंड ये मैंने फ्रॉम घर शॉप्स से मंगाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसको अपने हाथों में इस तरीके से पकड़ा हुआ है एंड इसका साइज कुछ इतना है। अब बात आती है कि हमें इसको यूज कैसे करना है। तो हमने ये जो पोर्शन है ये लेना है। ये पोर्शन हमने क्यों लेना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये पूरा बंद वाला पोर्शन है एंड इधर ये वाला जो है इसमें ये ओपनेबल है इस साइड से। अगर आपके घर में कोई भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारे फेस के लिए अच्छे होते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उस टाइम पे मेरे पास में कुकुम्बर था तो मैंने कुकुम्बर की पीसेस इसमें ऐड किए थे। अगर आपके पास में कोई दूसरे इंग्रेडिएंट है जो हमारे फेस के लिए अच्छे होते हैं तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। एंड इसमें हमने फिर उसके बाद में पानी भर देना है, ये ऊपर से इस तरीके से इसमें लगा देना है। एंड इसके ऊपर वाले पार्ट में हमें ये एक्स्ट्रा होल मिल जाता है ऊपर से पानी डालने के लिए, तो हमने इसमें ऊपर से इसमें पानी डालना है एंड जब ये फुल हो जाए तो हमें इसके कैप को बंद कर देना है। फिर उसके बाद हमें ओवरनाइट इसको फ्रीजर में रख देना है एंड सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, उस टाइम पे आपके चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। मेकअप रिमूव करके अच्छे से अपना चेहरा वॉश करके उसके बाद ही इसकी आइजिंग करें। आप इसकी आइजिंग कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, दोनों ही टाइम अच्छे बताए गए हैं। इवनिंग में अगर आप करोगे तो इवनिंग में उस टाइम पे करिएगा जिस टाइम पे आप डायरेक्टली सोने जा रहे हो। सो जब से ये मेरे पास में आया है तब से मैं डेली आइजिंग कर पा रही हूँ, वरना मैं जो वो वाली पहले वाली प्रोसेस थी उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी एंड मैं कर नहीं पाती थी डेली डेली वो वाली प्रोसेस फिर से। एंड कुकुम्बर के अलावा मैं कुछ इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो आप ऐड कर सकते हो। आप इसमें एलोवेरा प्लस टर्मरिक प्लस हनी का एक जो मिक्सचर है वो बना के ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इसमें आप बीटरूट भी ऐड कर सकते हो। इसमें लेमन वाटर आप यूज कर सकते हो। मॉर्निंग एंड इवनिंग में अगर हम आइजिंग करते हैं अपने फेस पे तो ये हमारे चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करता है, ब्राइटन करता है हमारी स्किन को। अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो रिड्यूस करता है एंड हमारे चेहरे को पिंपल फ्री, एक्ने फ्री बनाता है। अपनी स्किन केयर को लेके ये मेरी अभी तक की बेस्ट परचेजिंग रही है। एंड ये अब जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ये है फ्रॉम मीशो से। ये मैंने पायदान मंगाए हैं, ये 5 का सेट है एंड इसमें मैंने ऑर्डर करा था मल्टी कलर बट इन्होंने मुझे ये ब्लू कलर दे दिया है और ये बहुत ही छोटे साइज के हैं। अगर आप एक नॉर्मल पायदान ढूंढ रहे हैं सो ये उस टाइप में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा डेकोरेशन पर्पस के लिए है। छोटे छोटे पायदान है, जैसे छोटे से स्टूल होते हैं उसके नीचे हमने इसको रख लिया तो ये अच्छा लगेगा। ये इनकी क्वालिटी वगैरह सब मुझे काफी अच्छी रिसीव हुई है और इसलिए मैं इनको एक्सचेंज भी नहीं करा रही हूँ, क्वालिटी अच्छी है इसलिए। ये मुझे पड़े हैं 210 रुपीज के एंड इसमें मुझे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ा। अब ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है फ्रॉम अमेजोन से एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा मुझे रिसीव हुआ है। ये वॉल हैंगिंग डेकोरेशन के लिए मैंने इसको मंगाया है एंड इसमें मुझे ये 6 एरो रिसीव हुए हैं एंड 6 के 6 में बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क हार्ड एंड दूसरे में लिखा हुआ है बिलीव इन योर सेल्फ एंड ये मतलब प्यारे प्यारे से इसमें लाइन लिखी हुई है जो कि मुझे खुद को मोटिवेट करेगा जब जब मैं इसे देखूंगी। एंड ये 179 का है और पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट है। 179 में बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिल रही है हमें एंड इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं था। अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट दिखाए हैं उसमें से सिर्फ जो मैंने आई शेडो पैलेट मंगाई थी उसमें 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस मुझे देने पड़े, बाकी किसी में भी मुझे डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़े। सो मुझे ये प्रोडक्ट भी काफी अच्छा लगा है। इसमें है नेल पॉलिश एंड ये मुझे 169 का कॉम्बो मिल रहा था और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। इसमें 12 नेल पेंट्स हैं एंड मुझे ये कुछ ऐसी रिसीव हुई हैं। एक ये कलर मिला है, एक ब्लैक कलर और ये वाइट एंड ये हल्का सा प्यारा सा पीच सा कलर होता है ना उस टाइप का है, ये उससे थोड़ा सा हल्का सा कलर है एंड ये उससे भी हल्का सा कलर है
एंड इसमें ये ट्रांसपेरेंट कलर दिया हुआ है एक, एंड ये एक थोड़ा सा बेबी पिंक होता है ना उस टाइप का है, एंड ये है, ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि सेम कलर रिपीट दे दिया उन्होंने। हाँ, एक इन्होंने सेम कलर दे दिया है रिपीट, और ये बेबी पिंक वाला भी इन्होंने दोबारा से दे दिया, एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है, इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। सो ये था पूरा कॉम्बो नेल पेंट्स का और काफ़ी बजट फ्रेंडली। अब नेक्स्ट, ये दो बैग्स मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, एक है इनमें से, ये डेली यूज के लिए ब्लैक कलर में ही दोनों को मैंने परचेस किया है। फर्स्ट बैग मुझे पहली बार ऐसा मिला जिसपे नाम नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल क्रीम लुक वाला बैग था ये। मैं इसकी क्वालिटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, 200 रुपीज में इतना प्यारा बैग एंड डेली यूज के लिए काफी अच्छा है। दो साइड साइड की जो हमें जेब रिसीव हो रही है उसमें ये इस तरीके का ये लगा हुआ है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, एंड बीच वाली सेंटर वाली जो जेब है उसमें हमें मिल रही है चैन। क्वालिटी वगैरह सब काफी अच्छी लगी 200 रुपीज में। इसके अदर अदर कलर्स भी अवेलेबल थे। एंड नेक्स्ट है ये स्लाइंग बॉक्स बैग, और आजकल आपने देखा होगा कि इस टाइप के बैग बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सूटकेस होते हैं ना उस टाइप का ये बैग है। हमने इसकी चैन ओपन करी तो ये देखिए उसी टाइप से ओपन होगा, एंड दोनों छोटी छोटी सी साइड में यहाँ पे ये जेब लगी हुई है, मैं पैसे या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए जेब दी हुई है दो, एंड बीच में सेंटर से ये एज इट इज है, जैसे हमें फोन वगैरह रखना है तो फोन वगैरह रख सकते हैं और इसको हम एज इट इज बंद कर देंगे। इसकी एक बेस्ट चीज और है कि ये है एडजस्टेबल, इसको आप जितना छोटा चाहे इतना कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना कर सकते हैं। सो ये दोनों बैग थे फ्रॉम फ्लिपकार्ट से, एंड अब जो मैं दिखाने वाली हूँ ये है मीशो से, इसकी भी मैंने ओपनिंग कर ली है पहले। ये एक्चुअली मैंने इयररिंग्स मंगाए हैं, मुझे इसका एक ब्लू कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, और मैंने ब्लू कलर के ऑलरेडी अभी दिखाऊंगी मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसका ये पिंक कलर ऑर्डर करा क्योंकि पिंक कलर की ड्रेस भी है मेरे पास, बट इयररिंग नहीं थे उसके साथ के लिए। सो ये इयररिंग्स कुछ इतने प्यारे से मुझे रिसीव हुए, बट इयररिंग्स को देख देख के ना मेरा बहुत मन होता है कि यार मैं ये वाले लूँ, इस टाइप के लूँ, शायद अच्छे लगे, और मैंने अब ये वाले लिए हैं, तो आप बताइएगा कि ये अच्छे हैं या नहीं, मैंने इनको परचेस करके ठीक किया या नहीं किया। मैंने इयररिंग्स मंगाए हैं, ये भी फ्रॉम मीशो से ही हैं, और यहाँ पे इसको भी मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी कि कोई डिफेक्टिव वगैरह तो नहीं आया है, कभी मुझे रिटर्न एक्सचेंज कराना हो तो। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये दूसरा ये कलर दिया है उन्होंने। मैंने इन इयररिंग्स का ब्लू कलर ऑर्डर किया था, एंड मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि स्क्रीनशॉट में देखिएगा कैसा लग रहा है, और यहाँ पे मुझे ये कलर रिसीव हुआ है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सेम बिल्कुल वही कलर था।